फाइनली दोस्तों आज आपके सामने है 2023 की न्यूली लॉन्च होंडा एसपी 125cc BS6 OBD2 का नया मॉडल। इस बाइक में 5 से 6 कंपनी ने बदलाव किए हैं, नए फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड कितने तक जाती है और अब इस बाइक की प्राइस बढ़ने के बाद नई ऑन रोड कीमत कितनी है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। अभी आप जो मेरे सामने में देख रहे हैं ये टोटल एक नया कलर कंपनी ने लॉन्च किया है, ब्लैक के ऊपर में रेड कलर के ग्राफिक्स और दूसरा इसमें आपको पहले वाला रेड मिल जाता है, इसके भी ग्राफिक्स चेंज हो चुके हैं लेकिन ये E20 वाला ही BS6 फेज 2 वाला ही मॉडल है। तीसरा इसमें आपको मैट ब्लैक कलर भी मिल जाता है। इस बाइक में पहला सबसे बड़ा जो बदलाव है वो है इसके कॉस्मेटिक चेंजेस को लेकर। जैसा कि नीचे में SP125 का स्टीकर है नया वाला, नीचे में ग्रे कलर, रेड कलर और सिल्वर कलर के ग्राफिक्स और यहाँ भी आपको रेड कलर, सिल्वर कलर और नीचे में आपको ग्रे कलर के ग्राफिक्स का नया कॉम्बिनेशन मिलता है और यहाँ पर आपको होंडा का 3D में लोगो और 3-tone कलर की पट्टियाँ मिल जाती हैं। इसके वाइजर के साइड में भी सिल्वर और रेड कलर के काफ़ी शानदार ग्राफिक्स मिलते हैं और इसके काउल के ऊपर भी सिल्वर और रेड कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं। इसका जो काउल है वो अब पूरी तरह से ब्लैक कलर में कर दिया गया है। दूसरा बदलाव ये है कि अब इसमें आपको ब्लैक कलर मिल जाता है, पहले भी ब्लैक मिलता था लेकिन पहले आपको इस तरह के ग्राफिक्स नहीं मिलते थे। ये E20 BS6 फेज 2 वाला मॉडल है, मतलब ये जो बाइक है वो 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के मिक्सचर से चलने वाली है। और तीसरे बड़े बदलाव की बात करें तो अब इस बाइक का जो साइलेंसर है, ये जो एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा छोटा कर दिया है, इसके ऊपर में ये जो मफलर गार्ड है ये भी पूरा का पूरा बदल दिया गया। अगर आप इसको CV साइन से कंपेयर करेंगे तो पहले यही चीज़ आपको SP125 के पहले वाले पुराने मॉडल में देखने को मिलती थी, तो ये इसका तीसरा बड़ा बदलाव है। और इसके चौथे सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो कंपनी ने इस पर बहुत बड़ा ध्यान दिया है, 180/18 का यहाँ पर आपको अब ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। जी हाँ, अब ये जो टायर है वो 20mm चौड़ा कर दिया है, मोटा कर दिया है। ये टायर MRF कंपनी का है तो आप सभी की डिमांड की वजह से कंपनी ने अब इसमें 100mm का मोटा पीछे वाला टायर दे दिया है और इस टायर की वजह से ये जो बाइक है अब काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, ग्रिप भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, हेलोजन टेललाइट, हेलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं। चौड़े टायर की वजह से ये जो बाइक है अब काफ़ी अच्छी तरीके से रोड पर ग्रिप बना के चलेगी। अगर पहले वाले की बात करें तो पहले 80/118 का कुछ इस तरह का पतला वाला टायर यहाँ पर आपको मिलता था, जो BS6 फेज 2 से पहले वाले मॉडल की मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर होंडा का लोगो है, ऊपर में ब्लैक कलर का वाइजर आपको मिलता है, यहाँ पर N3 लिखा है। ये न्यूली लॉन्च वेरिएंट आप देख रहे हैं, पीछे में और आगे में दोनों तरफ हैलोजन टाइप के टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं नॉर्मल बल्ब के साथ और स्प्लिट LED हेडलाइट का सेटअप मिलता है और LED की यहाँ पर ब्रांडिंग भी मिल जाती है। आगे वाला जो मडगार्ड है ये भी आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ मिलता है और दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं सेफ्टी फीचर्स के लिए और फ्रंट में टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। 240mm डायमीटर की डिस्क मिल जाती है जिसमें कॉम्बी ब्रेकिंग का भी सेटअप मिलता है और आगे में आपको 80/118 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। यही प्रोफाइल वाला टायर पहले आपको मिलता था पीछे वाले व्हील में। इस बाइक में आपको इनेंस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, किक मिल जाती है, ये है कुछ इस तरह का ब्रेक पैड, नॉन एडजस्टेबल फुटपैक्स मिलते हैं, 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, कैटलिटिक कन्वर्टर इसका ओपन है, अगर इसमें एक मेटल की प्लेट होती तो काफ़ी अच्छा रहता। बाकी यहाँ पर इंजन ऑयल का कैप, होंडा की ब्रांडिंग, इंजन ऑयल फिल्टर और इसमें एयर कूल्ड वाला इंजन मिलता है, सिंगल यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाता है, क्रैश गार्ड आपको अलग से लेना पड़ता है। इसमें 123.94cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल्व SI BS6 FI इंजन दिया है। ये इंजन मैक्स पावर देता है 10.8 PS की 7500 RPM पर और 10.9 Nm का टॉर्क पैदा करता है 6000 RPM पर। जब मैंने इस बाइक को आज चलाया था तो वाकई में इसका जो इंजन है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो चुका है और ये बाइक 1 लीटर में 65 KMPL का माइलेज आसानी से दे देती है। सबसे पहले मैं आपको इसके एग्जॉस्ट के साउंड को सुना देता हूँ, जैसा कि नया साइलेंसर है। ये है इंजन साउंड,
तो दोस्तों पुराने वाले इंजन और एग्जॉस्ट के मुकाबले आपको इसका साउंड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ पर आपको सिंगल पीस इंजन किल और सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलता है। हैंडल बार यहाँ पर आपको वही पुरानी वाली मिल जाती है। चाबियों की बात करें तो इसमें आपको नॉर्मल की मिलती है होंडा की बैजिंग के साथ। और मीटर कंसोल की बात करें तो फुल डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके साइड में टर्न इंडिकेटर, साइड स्टैंड की वार्निंग और यहाँ पर आपको हेडलाइट की वार्निंग और साइड में गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, ऊपर में इको इंडिकेटर की लाइट मिलती है ग्रीन कलर में। साइड में आपको चेक इंजन की लाइट मिल जाती है। यहाँ पर आपको फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर मिल जाता है, घड़ी मिल जाती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है कि बाइक कौन से गियर में चल रही है, ऊपर में आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर मिल जाता है। बाकी सबसे अच्छी बात इस बाइक की ये है कि इसमें आपको रियल एवरेज इंडिकेटर मिल जाता है कि बाइक जिस भी स्पीड में आप चला रहे हैं कि बाइक आपकी कितना माइलेज निकाल कर दे रही है। दूसरा, इसमें आपको रेंज भी देखने को मिल जाती है, मतलब इसके पेट्रोल टैंक में अगर 2 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है तो अगर ये बाइक भी 60 का माइलेज दे रही है तो यहाँ पर 120 की रेंज देखने को मिलेगी। साइड में आपको सिलेक्ट और बगल में आपको मोड की बटन मिल जाती है। इसमें सर्विस ड्यू रिमाइंडर मिल जाता है, 107 की टॉप स्पीड मिल जाती है। बाकी ये इसके साइड मिरर, यहाँ पर आपको पासिंग, अपर डिपर और साइड में इंडिकेटर और हॉर्न, और इसके जो बार एंड हैं वो आपको मिलते हैं प्लास्टिक के, यहाँ पर मेटल के बार एंड नहीं दिए गए हैं। अब देखा जाए तो 125 सीसी की ये एक ऐसी इकलौती बाइक है जो अपने दमदार रिलायबल इंजन की वजह से ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि इसका जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलता है और इसका जो ग्रैब रेल का जो कलर है वो भी अब चेंज कर दिया है। अभी मैं आपको सीट के नीचे वाले हिस्से को भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये है इसकी सीट को ओपन करने का लॉकर और एक ही बार में इसकी जो सीट है वो प्रॉपर तरीके से बाहर आ जाती है। सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट की जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर आपको मिल जाती है पिलियन और राइडर के लिए। और इसके अंदर की जो कुशन है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है और नीचे में आपको टूल किट मिल जाती है इमरजेंसी में बाइक को ठीक ठाक करने के लिए। बाकी ये है इसका पूरा का पूरा सीट का नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर आपको फर्स्ट एड किट और इसी के नीचे में आप अपने बाइक के डॉक्यूमेंट को भी कैरी कर पाएंगे। अभी मैं सीट को भी यहाँ से लगा देता हूँ। अगर हम बाइक के वजन की बात करें तो इस बाइक का कर्व वेट है 117 किलोग्राम डिस्क ब्रेक में, और ये हल्का होने की वजह से भी काफ़ी अच्छी माइलेज आपको निकाल कर दे देती है। और मुझे एक चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी लगी, और इसका जो सीट हाइट है वो 790 mm की मिल जाती है, और यहाँ भी आपको सेम ग्राफिक्स मिल जाते हैं 3D क्रोम के साथ, और यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड मिलता है। इस बाइक का जो स्विंग आर्म है वो आपको बॉक्स वाला मिलता है, और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटपैक्स मिल जाते हैं। चेनसेट कवर आपको मिलता है प्लास्टिक बॉडी का। इसमें आपको 5-speed गियर बॉक्स मिल जाता है, पहला गियर इसका आगे में डाला जाता है और 4 गियर इसके ऊपर की तरफ डाले जाते हैं, और इसके साथ ही इसमें साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर का फीचर्स मिलता है। जैसे ही इसका साइड स्टैंड अभी ऑन है, मतलब कि डाउन है, और साइड स्टैंड की वार्निंग आ रही है, बाइक न्यूट्रल में है, जैसे ही मैं क्लच को दबाकर गियर को डालता हूँ इंजन इसका तुरंत बंद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, जो आज की डेट में सेफ्टी फीचर्स के लिए सभी बाइक में मैंडेटरी कर दिया है। तो फाइनली अब बात करें बाइक के प्राइस के बारे में, तो होंडा SP125 ड्रम ब्रेक OBD2 की एक्स शोरूम कीमत है 85,237 रुपये, और ऑन रोड कीमत है ड्रम ब्रेक में 101,994 रुपये, और होंडा SP125 डिस्क ब्रेक OBD2 की एक्स शोरूम कीमत है 89,237 रुपीज़ 89,237 रुपये, ऑन रोड कीमत है 106,400 रुपये। जो मैंने आपको बताई है Cloud 9 होंडा टू व्हीलर शोरूम मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम की। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो सिटी का नाम कमेंट करो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। वीडियो चल गया तो लाइक करें।